हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ मर्चेंट नेवी में क्या रियलिटी है, क्योंकि जब कोई भी नया लड़का आता है इस लाइन में या इस लाइन के बारे में सुनता है या यूट्यूब वगैरह में कहीं पे देखता है या किसी सीनियर से पूछता है या देखता है, तो सोचता है कि बहुत अच्छा लाइफ है, फॉरेन जाके फॉरेन घूमने को मिलेगा। मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलता है, लेकिन उसके पीछे क्या मतलब क्या क्या करना पड़ता है और कब मिलता है। लोग सोचते हैं इस लाइन में, मतलब सिर्फ मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी बात कर रहा हूँ या मेरे बैच में जितने लोग थे सबका बात कर रहा हूँ। सबका जब हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए थे जीपी रेटिंग, वहां पे ऐसे सपने दिखाए आपको जाएगा या मतलब एजेंट के थ्रू जो लोग आते हैं ऐसे ऐसे बताया जाएगा कि 2 लाख का कोर्स करो, 6 महीने का कोर्स है, पास करोगे CDC मिलेगा, तुम्हारा ये जहाज मिल जाएगा, तुम फॉरेन से यहाँ से ज्वाइन करोगे, इतना सैलरी हो जाएगा, हाँ 2-4 सालों में तुम्हारा इतना पैसा कमा लोगे, ये रैंक पे पहुंचो, कुछ अलग ही रैंक। एजेंट लोग तो मतलब कुछ अलग ही अपना दुनिया में रहते, कुछ अलग ही रैंक बताते रहेंगे, करोगे इधर वाइपर ओएस AB ऑयलर में काम, उधर बता देंगे ये ऑफिसर बन जाओगे, वो ऑफिसर बन। ये गांव के लड़के के साथ होता है, ये यूपी बिहार के मैं बहुत सारे लड़के से ऐसे मिले हूँ जो एजेंट के पास से पैसे दे के आते और खर्चा होता है 2-2.5 लाख पढ़ने का और एजेंट ले लेता है 5 लाख 6 लाख, मतलब जो जिससे जितना लपेट पाता है उतना, जिसको नॉलेज नहीं होता है उतना पैसा वो दे देता है। तो ये सब बहुत मतलब क्या बोलूं, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये लोग बहुत सोच के आते हैं, जब नया कोई भी लड़का आते हैं बहुत सोचते हैं कि हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब रियलिटी में इस फील्ड में आ जाते, ट्रेनिंग करते, उसके बाद जब जॉब ढूंढने के लिए जाते, तब उसको पता चलता है कि मार्केट का क्या हालत है, क्या रियलिटी है। पहला बात एक है कि मेडिकल, आपको हर बार मेडिकल होगा, आपका मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम आया कंपनी नहीं लेगा आपको, ठीक है। मेडिकल में कुछ भी आपका दिक्कत आ गया तो आपको कंपनी बोलेगा वो क्लियर करके आओ, मतलब जो भी चीज है वो सही करके आओ, उसके बाद ही हम लेंगे। मेडिकल का हो गया, उसके बाद हो गया कि एजेंट आपको ऐसे ऐसे जहाज पे चढ़ा देता है, ऐसे ऐसे जगह ऐसे ऐसे कंपनी में भेज देता है, ना सही से खाना पीना मिलता है, ना जहाज अच्छा रहता है, इतना पुराना वेसल में भेज देता है, मतलब कॉकरोच चूहा खटमल, मतलब जिंदगी पूरा बर्बाद कर देता है और लोग पैसे दे के आते इसलिए छोड़ के जा भी नहीं पाते। और ऐसे ऐसे जहाज में भेज देते हैं कि खाना पीना कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा कुछ दे रहा है कंपनी, वेसल ऐसे ही खड़ा है, कुछ मूवमेंट वगैरह कुछ भी सेलिंग नहीं करता है। एजेंट के मैं पहली बात बताऊंगा, आप अगर आ रहे हो खुद से, बहुत सारे यूट्यूबर है जो अच्छे से नॉलेज देता है, मेरे भी वीडियोज आप देख सकते हो कुछ, मैं जितना मेरे पास नॉलेज है उतना दिया हूं मैं, अच्छे डीजी शिपिंग कॉलेज से कोर्स करो। ओपन CDC बहुत लोग अभी निकल रहे हैं, बहुत लोग अच्छे जगह पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी नहीं गया है, जाते हैं, लेकिन ओपन CDC का मतलब सब निकल पा रहे हैं, मतलब कोई भी निकाल लेता है ओपन CDC से, उसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। आप भी जाओगे 15,000 दोगे, STCW 5-15 दिन का कोर्स करोगे, CDC निकाल लोगे, तो नॉर्मल कंपनी तो पहले कोई लेगा नहीं, आपके पास अच्छा खासा कहीं पे करके एक्सपीरियंस बना लिए उसके बाद आपको कंपनी लेगा। तो मतलब देख लो अभी अपने हिसाब से, मैं तो ओपन CDC को कभी रेफर नहीं करता हूं, लेकिन करना है आपके पास पैसे नहीं है तो कर सकते हो आप। ओपन CDC कुक के लिए थोड़ा अच्छा है, कुक को मिल जाता है, अगर खाना पीना अच्छा बनाना आता है कुक के लिए ओपन CDC अच्छा है। बात बाकी डेक इंजन वालों के लिए तो ओपन CDC मुझे नहीं लगता उतना अच्छा है, फिर भी आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। आप जीपी रेटिंग कर पाओगे, आपके पास पैसा है जीपी रेटिंग कर पाओगे, वो भी कोई भी मतलब कोई भी कॉलेज से नहीं, DG अप्रूव अच्छे कॉलेज से करो, जहां पे थोड़ा प्लेसमेंट का भी पैसे लेता भी होगा, अगर कॉलेज पैसा लेके भी आपको ज्वाइनिंग दे रहा है, कम से कम ज्वाइनिंग दे रहा है, ऐसे कॉलेज में देखो कि हाँ भाई अच्छे वेसल पे भेज रहा है पैसे लेके भी, तो वो सब कॉलेज में जाओ। तो ये सब रियलिटी है। उसके बाद जब इतना कुछ मेहनत कर रहे, उसके बाद मुंबई आते, लोग महीने के ऊपर महीने घूमते रहते इसमें नहीं जाएंगे, और लोगों के सपने इतने बड़े दिखाते हैं कि वो लोग सोचते डायरेक्ट बड़े वेसल में जाएंगे जो जब मिलता नहीं, और महीने के ऊपर महीने मुंबई में आके हॉस्टल में आके सीमन हॉस्टल में आके पड़े रहते, फिर वहीं पे कुछ डिलीवरी का काम में लग जाते हैं, या तो खाना देने में या कोई भी वो सब काम में लग जाते हैं, जो दिन का 200-400 रुपए मिलता है बस उसी से सीमन हॉस्टल में पड़ रहते हैं। हजारों मिल जाएंगे सीमन हॉस्टल में जो बस वही कर रहे हैं, तो बहुत पहले 1-2 महीना घूमा जॉब ढूंढना नहीं मिला, फिर वही सब करके उधर ही मस्त पड़ा रहता है हॉस्टल में और पैसे वैसे कमा रहते हैं वह सब। मुंबई में कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता है, या तो मॉल में या तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो
वैसे करके अपना जिंदगी बिता रहे। तो सोच के आते कि ये करूंगा बाहर, मतलब सबका ये है कि डायरेक्ट एफजी जाऊंगा, मुझे डायरेक्ट एफजी बड़े वेसल चाहिए जो मिलता नहीं है, फिर ये सब करते रहते। तो ये रियलिटी है, ये सच में होता है, ये मैं देखा हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं पहुंच पाते, मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छी जगह पे पहुंच गए, लेकिन छोटे से स्टार्ट करते। बहुत लोग इस लाइन में ऐसे है कि छोटे में जाना ही नहीं चाहता है, सब बोलता है मुझे डायरेक्ट एफजी जाना है, बड़े वेसल में जाना है, टैंकर में जाना है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे सबको लक नहीं मिलता है, सबका पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है कि सब बड़े वेसल में जाए, सब अच्छे कंपनी मिल जाए। तो आपको छोटा से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कोर्स करके आए, आपके पास जो मिल रहा है जहाज आप चले जाओ, आप वॉचकीपिंग निकालो, आप सीओपी निकालो, आपके पास 30 महीने 25 महीने 30 महीने का एक्सपीरियंस बनाओ सीडीसी में, तो आपको कंपनी लेगा। कम पैसा में भी हो, 20-25-30 हजार में भी आपको कंपनी लेगा। पहले आपको 5 हजार में लोग, अरे 5 हजार में 7 हजार में क्या काम करूं, तो करना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में हो, आपको 5-7 हजार में काम करना पड़ता है, लेकिन लोग जाते नहीं, लोग सोचते डायरेक्ट मुझे 40-50 हजार रुपए चाहिए, तो ये तो होता नहीं है। तो लेकिन सपने ऐसे दिखाए जाते हैं, कॉलेज में ऐसे ऐसे बात किए जाएंगे, आपका चीफ ऑफिसर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, वो लोग इतना एक्सपीरियंसड वाले होते, इतना पैसे वाले होते, तो इतने कॉस्टली गाड़ी कार लेके आएंगे, तो लोग उससे ना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, अरे मैं भी यहाँ पे इतना पैसा। लेकिन वो लोग कितना पढ़ाई किया है, कितना मेहनत किया है, उसको कोई नहीं देखता, बस डायरेक्ट देखता है कि मुझे पैसा चाहिए, जो असल जिंदगी में नहीं होता है। उसके बाद आता है ज्वाइनिंग, अगर ज्वाइनिंग कहीं पे मिल गया, उसके बाद चलो ठीक है, एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आलतू फालतू 90% एजेंट फ्रॉड होते हैं, पैसे मार लेंगे आपको, मतलब महीने के ऊपर महीने वेटिंग दिला देंगे, तो 1 साल 8 महीने 9 महीने 10 महीने ऐसे वेटिंग करते रहो, पैसे लेके बैठ जाएंगे। कोई कोई तो जहाज में चढ़ाता ही नहीं है, पैसे लेके भाग जाता है, तो ये सब में लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये सब आने के टाइम ये सब सोच के नहीं आते, ये आने के बाद होता है जब लाइन में घुस जाते। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं जो देखा हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मैं शेयर भी किया हूँ बहुत सारे वीडियो में, तो ये सब जो होते हैं ये सब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये सब होता है सबके साथ। फिर कभी कभार मेडिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत किसी का मेडिकल प्रॉब्लम, कभी क्या किसी का बहुत महीने से वेटिंग कर रहा है, किसी का घर में शादी आ गया फिर चला गया, फिर वहां पे लिंक टूट जाता है, फिर वापस मुंबई आता है, किसी का घर में मम्मी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके घर में मम्मी डैडी बहुत तबीयत खराब है, जो फिर कोर्स तो कर लेते उसके बाद किसी ना किसी प्रॉब्लम से जहाज में जा ही नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारे चीज है, और क्योंकि इस लाइन में क्या आपको घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, कभी कभार नेटवर्क भी नहीं मिलता है बात करने को, तो ये सब में क्या होता है, किसी का सबका फैमिली का प्रॉब्लम सही नहीं होता है, बहुत किसी का फैमिली का बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होता है, जो ये सब प्रॉब्लम है वो फंस जाता है, फिर जहाज में छोड़ देता है, बोला अरे क्या ऐसे जहाज में कैसे रहेंगे, घर में इतना प्रॉब्लम है ये, तो फिर वो छोड़ के फिर दूसरा कुछ काम ढूंढ लेता है। तो इसीलिए इस लाइन में आने के पहले ये सोच लो, मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करना ही है, मुझे छोटे से स्टार्ट करना है, मुझे 5-7 हजार से भी काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मुझे आते 20-30 हजार मिल जाएगा, अच्छे नए वेसल, नए कंपनी, अच्छा बड़ा कंपनी मिल जाएगा, ये सब मेहनत करने के, बहुत मेहनत, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ करने के बाद ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और मतलब 100 में से कम अगर आप किसी को सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हो, वो या तो मेहनत करके ऊपर आया है, बहुत साल का मेहनत करके वो आज ऊपर आया है, तो उसको देख रहे हो, या तो किसी किसी का लक चल जाता है, कभी कभार इस लाइन में लक चल जाता है, ठीक है, तो उसको आप देख रहे होते हैं, हाँ भाई ये तो इतना पैसा कमा रहा है, कभी किसी का लक चल जाता है, लेकिन वो 100 में से 10 लोगों का ही लक चलता है, 90 का लक नहीं चलता है, सबका इतना अच्छा लक नहीं होता है। तो ऐसे सोच के, इसीलिए ये सब सोच के जब इस लाइन में आओगे, ये सब सोच के अपना माइंड स्ट्रांग करके कि मुझे सब कुछ फेस करना है, मुझे जॉब के लिए मुंबई में ढूंढना है, ठीक है, खाने पीने का दिक्कत हो जाता है, बहुत किसी का मतलब बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है, फैमिली का दिक्कत होता है, अकेले घर छोड़ के रहना पड़ता है, बाद में बहुत कोई शादी के बाद फिर छोड़ देता है क्योंकि बच्चा, वाइफ, दिक्कत हो जाता है फैमिली मेंटेन करने में, इसीलिए ये सब सोच के कि फैमिली से मुझे दूर रहना है, मेडिकली मुझे हमेशा फिट रहना है, क्योंकि हर जहाज में जाओगे आपको मेडिकल चाहिए, एकदम फिट मेडिकल चाहिए, तो मेडिकली मुझे फिट रहना है, मुझे पहले कम से कम 2-4 साल 5 साल तक मुझे अच्छे से मेहनत करना है, कम पैसे में भले करने पड़े लेकिन मेहनत करना है, कम पैसे में काम करना है। तो ये सब सोच के अगर आप आओगे और बड़ा सोच नहीं रखोगे तो इस लाइन में टिक जाते हैं। जो बहुत बड़ा सोच रखते हैं कि मुझे जाके इतना पैसा मिल जाएगा, जाके इतना मजा, तो और ट्रेनिंग को तो जहाज में जाके मजा मिलता ही नहीं है, वो तो आप भूल ही जाओ। ट्रेनिंग अगर हो पहले 1-2 साल तो आपको रगड़ के काम करवाएगा, मतलब
मतलब वो मैं बता नहीं सकता इतना रगड़ के काम करवाता है। तो बहुत कोई जहाज में जाने के बाद भी छोड़ के आ जाते कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा, इतना मतलब 4-5 हजार मिल रहा है। तो इसीलिए ये सब सोच के आने का, ये सब रियलिटी है, ये सब अपने आप स्ट्रांग होके फिर आने का। नहीं तो बहुत कोई क्या होता है, पैसा खर्चा कर लेता है। मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रेनिंग तो की है लेकिन छोड़ दिए, फिर लाइन में आया ही नहीं। कम से कम 40 के बैच में 15 तो हो गए, 15 से 20 लड़के ऐसे लाइन छोड़ दिए, दूसरा कुछ पकड़ लिए, कहीं दूसरा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये फील्ड ही छोड़ दी है, 15-20 अभी भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर पैसा खर्चा, अभी देखो वो लोग 2-2.5 लाख खर्चा किया, तो फालतू बर्बाद हुआ ना वो 2-2.5 लाख, अगर दूसरे किसी फील्ड में खर्चा करता उसको वहां पे सक्सेस मिल जाता। तो इसीलिए इस लाइन में आने के पहले ये सब मैं फेस किया, इसीलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये सब आने के पहले सब कुछ मैं स्ट्रांग माइंड को स्ट्रांग करके फिर इस लाइन में आना। नहीं तो बहुत सारे लाइन है, देख सकते हो, इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पे बस पैसा है और दूसरे कहीं पे पैसा नहीं है। मेहनत करोगे तो पैसा सब जगह पे है, बस मेहनत करना आना चाहिए। और इस लाइन में आ रहे हो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि घर से आपको बाहर रहना पड़ता है। तो और फैमिली पोजीशन भी देख लेना कि मेरा फैमिली में तुम अकेले हो कि और भी कोई घर को देखने वाला है, नहीं है। तो ये सब देख के आगे पीछे सब सोच के कि मैं अकेले चला जाऊंगा जहाज पे तो घर को कौन देखेगा, अगर कोई देखने वाला है तो आओ, नहीं तो बहुत किसी को बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा आगे पीछे सब कुछ मेडिकली वगैरह, कुछ मेडिकली ऐसा प्रॉब्लम है जो बाद में जहाज में दिक्कत आ सकता है तो आप मत आओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बार क्या होता है, आप जहाज में आ जाते हो फिर मेडिकल दिक्कत आता है, फिर आपको साइन ऑफ करके घर जाना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सोच के, आगे पीछे का सब कुछ देख के, अपना स्ट्रांग माइंड बना के, थोड़ा मेहनत करके फिर इस लाइन में आओ तो ही अच्छा होगा आपका, यही रियलिटी है। तो जो भी है, मेरे जो भी नॉलेज था आप लोगों से शेयर किया, वीडियो कैसा लगा मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या वीडियो मैं बना सकता हूँ, किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को जानना है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।